गाइज नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर ड्राई फ्रूट की मिठाई, जो बहुत ही सुंदर, टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। ये 15 डेज तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो खजूर, बीज निकाल लिया है मैंने, और पाव किलो काजू कटे हुए और बादाम कटे हुए। इस तरह अब हमने खजूर को मिक्सर में बारीक पीस लेना है। इस तरह हमें देखो खजूर को पूरा बारीक किया है। यहाँ पर मैंने सब खजूर को इस तरह बारीक करके ले लिया है, एकदम सॉफ्ट है, देख सकते हो आप। अब पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ खजूर। इसे हमें देसी घी में अच्छी तरह से मिला लेना है। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाकर इसे अलग बाउल में निकालेंगे। अब पैन में डालेंगे उसी पैन में 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू और बादाम कटे हुए। इसे अच्छी तरह से भूनना है हमें घी में, हल्का ब्राउन कलर आने तक। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने खजूर को भुना हुआ था। इस खजूर को अच्छी तरह से काजू बादाम में मिक्स करना है। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर लेना है हमने एक पॉलीथीन। पॉलीथीन में अपने सब बैटर को इस तरह निकाल लेना है। पॉलीथीन पे इस बैटर को निकाल के हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे हम आटे को गूंदते हैं उसी प्रकार हमें इस बैटर को भी गरम गरम ही गूंदना है। बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है इसे, मक्खन की तरह। बहुत अच्छी तरह से गूंदना है इसे सॉफ्ट होने तक। एक 5 मिनट तक ऐसे ही हाथों से गूंद लेना है। अब इसे हमें आकार देना है इस तरह गोल करके, इस तरह आकार देना है। यहाँ लेंगे हम बटर पेपर। इस तरह हमें बैटर को गोल राउंड में शेप देना है बटर पेपर के साथ। इस तरह पैक करेंगे हम दोनों तरफ से। इसी तरह हमें बचे हुए बैटर को भी इसी तरह रोल बनाने। आप देख सकते हो हमारे 3 रोल बन चुके हैं। अब इसे हमें रखना है 1 घंटे तक फ्रीज में। देख सकते हो 1 घंटे के बाद मैंने निकाला है फ्रीजर से। अब इसे हमें खोलना है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से बन चुके हैं ये। अब हम इसे गोल शेप में कट करेंगे। देख सकते हो आप, इस तरह मैंने इसका गोल आकार दिया है इसे। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी रेसिपी है ये। आप उसके ऊपर गुलकंद भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस। बहुत ही टेस्टी और सुंदर रेसिपी है ये, बहुत इजीली हो सकती है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।